गाइस आए दिन तुम इंडिया के अंदर नए से नए लफड़े होते हुए देख रहे हो। मैक्सन और एल्विस का लफड़ा, रजत और राजवीर का लफड़ा, इवन इन सारे लफड़ों से बड़ा मोदी जी और ध्रुव राठी का लफड़ा। बट आज जिस लफड़े के बारे में बात करने वाले हैं उसका लेवल इन सारे लफड़ों से बहुत ज्यादा ऊपर है। सो ये दोनों बच्चे तुमने देखे होंगे इंटरनेट पे आजकल, जो की पाकिस्तान से है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तानी लफड़ा। अगर पेशावर मैच जीता ना, मैं सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, मगर वो कोल्ड ड्रिंक खोलेगी इसकी दांतों से। दांतों से? मैं बोलता हूँ पहले आपकी खोलूंगा फिर कोल्ड ड्रिंक खोलूंगा। देख रहे हो कितने संस्कारी बच्चे हैं। पहले आपकी खोलूंगा फिर कोल्ड ड्रिंक खोलूंगा। क्या सीन है? ये जिसके दांत बाहर है इससे जो दूसरा लड़का, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ज्यादा मत बोल। अगर इसका दिमाग घूमा ना तुझे पूरा का पूरा कुतर देगा ऊपर से लेके नीचे तक। दांत नहीं देख रहा तू उसके? ऐसी ऐसी बातें करूंगा ना ये कैमरा खुद शर्मा के नीचे गिरेगा। अबे भाई पहले बोलना तो सीख लो। बदसूरत है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे देखने के बाद तारे जमीन का जो लड़का था ना उसकी याद जा रही है। मूवी के डायरेक्टर से मेरी दरखास्त है, अगर पार्ट टू बना रहे हो तो इसे हायर कर ले, हिट करवा देगा। आपको ये दोनों कैसे लग रहे हैं? ये दोनों मुझे लगता है मेरी आँख खराब है या इन दोनों का मुँह खराब है। अबे अगर आँख इसकी खराब है तो चश्मा तूने क्यों लगा रखा है? चश्मा भी छोड़, मुझे इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है ये जो बीच में इंसान बैठा है इससे। भाई कौन से नशे में हो? बहती हवा सा था वो। या फिर भाई ऐसा हो सकता है ये सोच में है कि कौन सी गोटी चलूं क्या चलूं, लूडो का गेम चल रहा ना सामने। भाई इन बच्चों के सामने तुझे लूडो की गोटी बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी इज्जत और गोटे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ये लूडो का गेम खेलने नहीं बैठे, तेरी जिंदगी से खेलने बैठे हैं ये। जिस तरह के जोकर जिस तरह की तेरी मजाक उड़ा रहे हैं। एक ब्रांड है, अगर वो किसी लड़की को किस करेगा, किस करने से पहले इसकी नाक आएगी या दांत आएंगे? एक मिनट सब चुप। इसका जवाब अमेश जीवा खुद देंगे। क्या आएगा? मैं बोलता हूँ पहले दानियाल भाई के घर से रिश्ता आएगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। अरे छोटू जिस हिसाब से तुम बकैती काट रहे हो, रिश्ता है ना है दानियाल भाई के घर से। दानियाल भाई का पहले हाथ आएगा और फिर लात आएगी और फिर तुम्हारे मुँह से खून आएगा। ना इसके मुंह से खून नहीं आएगा भाई, इसके तो दांत बाहर है। इसके कोई मारेगा तो सामने वाले के खून आ जाएगा। मेरा ये एटीट्यूड दो दिन की कहानी है। मेरा ये एटीट्यूड बचपन से ही खानदानी। तेरा एटीट्यूड दो दिन की कहानी है। इधर आ, मुझे तेरे दांतों से कोक की बोतल घुलवानी है। क्या सीन है? बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। ऐसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आ गई भाई के ऊपर, बस कोई साला ना इसकी गाजर चुरा के भाग गया इसलिए परेशान है थोड़ा। खानदानी बोतल ओपनर। पेट्रोल के नशे करते हो क्या? गाजर के भाई, कत्तर कपड़े रुई के। इसकी शकल से बड़ा इसने फोन ले रखा है, भले ही शकल से बड़ा है दांतों से तो छोटा ही है। जाके पेपर दो सही एबीसीडी पढ़ के, आप इधर क्रिकेट की बातें ना करो, से खामोश होके बेटा, आवाज ना आए अभी इधर तेरी। ट्यूशन आपके घर से लूंगा लेकिन। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है, बिल्कुल वैसी जैसे इसके दांत है। भाई इसका सबके घरों में घुसने का क्या ऑब्सेशन है? शायद इसके घर की गाजर और कपड़े पूरे नहीं पड़ रहे इसे उतरने के लिए। अब तुम कहोगे धीरू इन्हें बैठ के बुली क्यों कर रहा, बच्चे हैं इन्हें तू कैसे ऐसे रोस्ट कर सकता है? भात खाओगे मेरा? इस उम्र के अंदर बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, माँ बाप की लापरवाही के नतीजा है। ये छोटा नहीं है, बच्चा नहीं समझना आप इसको। लगता था बच्चा ही है। टिक्की पे उम्र क्या आपकी? उम्र शादी वाली है। आ जाओ छोटी। ये जो बातें तुम लड़कों को देख के बोल रहे हो ना, लड़कियों को देख के बोली जाती है। इस ताले में कोई गुस्सा होगा तो ये भी नहीं कह सकते तेरे मुंह में दे दूंगा। ये कुतर देगा, दांतों में फंस जाएगा इसके। एडवांटेज इसके पास एक ही है। आजकल के बच्चे भी पता नहीं इनके माँ बाप ने पता नहीं किससे गुट्टियां चटवा दी थी जब पैदा हुए थे। ये माँ बाप की गलती नहीं है, आपकी इज्जत ही नहीं है। भाई यार रो मत यार, तू खुद ही आया अपनी पसंद से अपनी मर्जी से, दो बिरयानी के लालच में बेइज्जती हो रही है तो करवा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंटरव्यू वाले भाई जब इंटरव्यू हो जाएगा दो प्लेट नहीं तीन प्लेट खिला दियो ऐसे बिरयानी। मेहनत पूरी करी है इनने अपनी बेइज्जती करवाने में। आप जब इस उम्र में थे तो आप में इतनी अकल थी? भाई मैं तो सीधा साधा मोहल्ले का। भाई इसमें तो अभी भी नहीं है, इस उम्र की बात क्या कर रहा। भाई तरस भी आ रहा है इस पर, मुझे गुस्सा भी आ रहा। अभी गुस्सा कर लेता हूँ, तरस बाद में करूंगा, पेट का सवाल है मेरे भी और इसके भी। जाते थे इनके अंदर अभी अकल नहीं आई है, उस उम्र में क्या आई होगी।
अबे दानियाल का और अकल का ना दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ चार अकलमंद बैठे होते हैं ना वहाँ से दानियाल खुद भाग जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ बैठा है। उवेश जीवा के हेटर्स बहुत है, जहाँ वीडियो जलती है उवेश जीवा के हेटर्स आ जाते हैं। क्यों जलते हैं आपसे सब? यार पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि बंदे के आग लग जाए। आग लग जाए, आग पर्सनैलिटी? अबे इसे पर्सनैलिटी नहीं, आयोडीन की कमी कहते हैं शरीर में। ये बात मुझे हजम नहीं हुई भाई। सलमान भाई नाइस, मेहनत करो, बस मेहनत करते हुए नजर आओ। मेहनत करोगे तो दानियल भाई जैसे बनोगे। दानियल भाई दिल का बढ़िया है यार, देख रहे हो। भले ही बच्चों ने उनकी बेइज्जती कर दी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि मेहनत करो, मोटिवेट कर रहे हैं सामने वाले को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है डर के मारे बोल रहा है कि थोड़ी तारीफ कर देता हूँ जिससे आगे बेइज्जती ना हो। अल्लाह ना करे, दुआ मानता हूँ अल्लाह ना करे दुनिया को कोई बंदा दानियल भाई जैसा बने। भाई मुझे बुरा लग रहा है अभी दानियल के लिए। दानियल भाई आई एम विद यू, अभी जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा मैं पेलूंगा उसे, मैं करूंगा रोस्ट। दानियल भाई आप तो चुप करें, कराची जू से भागे हुए एलिफेंट। अरे मेरे बच्चे धतोड़े। फाइनली भाई किसी ने बोल दिया जो चीज मैं बोलना चाहता था शुरू से। क्या धतोड़े? धतोड़े देख रहे हो क्या सुंदर शब्द है, धतोड़े धतोड़े। दानियल अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, जरा बच्चा समझ गया ना, तो इसका तो मूत का हल्दे खड़े खड़े समझा। धतोड़े धतोड़े भाई, अगर किसी भी इंसान से तुम्हारी लड़ाई चल रही हो ना और उसके थोड़े भी दांत बाहर हो, बस धतोड़ा के का भाग जाना, साले का कॉन्फिडेंस वही नीचे गिर जाएगा। अपने हेटर्स को कुछ कहना चाहते हो जो बक बक करते हैं? उवेश जीवा एक ब्रांड है, इसका नाम नीचे होता जा रहा दिन ब दिन। क्या बोला जाए इन बच्चों को भाई, मैं तो ये सोच रहा भाई ये कहां से सीख रहे हैं चीजें। इतना हरामी तो बचपन में मैं नहीं था, मैं होऊंगा शायद। यार ये ऊपर से पानी फेंक रहा है कोई, पेशाब कर रहा है सलमान भाई, कोई पेशाब कर रहा है। बंदर होगा भाई जिसके धानियल के ले लेगा भागा। जान हेलो हेलो माइक्रोमैक्स का फोन पकड़ रखा उनने भाई, यार शुरू में स्क्रीन लगा दी आईफोन की, रिंगटोन भी आईफोन की। मैं आपके बुल्ला नहीं हूं। बुल्ला नहीं हूं? मैं आपके बुल्ला नहीं हूं। कौन सा बुल्ला भाई? अबे लुल्ला होता है। माना के बुल्ला नहीं, पर ऐसा नहीं बुल्ला आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब सब के बाद आते हो। भाई 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 भाई, भाई, भाई। ये यार उवेश भाई इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई थी जो तुमने इतनी बड़ी शायरी मार दी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी जान के लिए। उसने बस तुमसे यही तो पूछा था कि बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए, 1 किलो गाजर ला दूं या फिर 1 नया टूथब्रश ला दूं। उस पे तो बुरा मान गया, ब्रेकअप कर लिया तूने। और ये जो बुरा माना था वो टूथब्रश सुन के नहीं माना था, ये इसलिए माना था कि अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे पता होना चाहिए कि इसके दांतों का काम टूथब्रश से नहीं बाथरूम वाले ब्रश से होता। सही था भाई, सही सही ब्रेकअप करा उनने, पॉइंट था उसकी बात में। आई मैं तो इसे अभी तक पाकिस्तानी सोच रहा था, पर ये तो राजस्थानी निकला। दूल्हा बन गया बचपन में ही, आई ले जादू आई ले झाटू। लेंस बाय लेंस लाइट, लेंस कौन से लेंस? भाई ये क्यूटनेस नहीं चूतड़नेस है ये। और ये जो मम्मी का मेकअप और पापा की घड़ी चुरा के तुम वीडियो बनाने आ गए ना भाई, ये उनके घर लौटने से पहले वापस वहीं रख देना जहाँ से ली थी, नहीं तो माशाल्लाह वो आगे तुम्हारा वल्ला वल्ला कर देंगे। अब फिर तुम हल्ला हल्ला करना। क्या बेकार बेकार बातें बोल रहा है भाई, आगे बढ़े यार। शिवा दानियल मोटा तो सॉरी दानियल भाई, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम फादर ऑफ दानियल। अबे यार दानियल भाई तुम फिर क्यों आ गए भाई? 2 प्लेट बिरयानी के पैसे मुझसे ले ले भाई, मैं जीपे करूंगा तुझे। वैसे जीपे तो तुम ये कर रहे हो, मैं गूगल पे करने की बात कर रहा था। इसी वजह से दिलों में नफरतें आ गई थी, अब हमने मिलके रहना है। मिलके रहेंगे दानियल भाई? जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे बेटा, ये आपके बड़े भाई हैं। सही है, मेरे बड़े भाई हैं, अगर ये मेरे भाई में होते ना तो अब्बा को मौके बार बार से पहले ही रोक देता। कैसे पता चलता आपके अब्बा वारदात कर रहे हैं इस वक्त? ये दोनों के बीच में सोते हैं। ये दोनों के बीच में सोता है, ये बात तुझे कैसे पता है? आज तक तुमने लोगों को मुंह खोल के और दिल खोल के हंसते हुए देखा होगा, आज दांत खोल के हंसते हुए भी देख लो। ये भाई होते हैं, थाईलैंड में रहते हैं।
हाँ मैं मलेशिया में। मलेशिया में रहते हैं आप? थाईलैंड में कहाँ पे होते हैं आप? ओ सॉरी मलेशिया में। हाँ मलेशिया में पिनंग के अंदर। मलेशिया में पलंग पे। मलेशिया नहीं है, थाईलैंड भी होता है, और पिलंग के अंदर नहीं, पिलंग के ऊपर होता, पलंग के ऊपर, और सीधा नहीं उल्टा होता है। भाई क्या चल रहा है यार इनका, है अलग ही मौज मस्ती बैठा रखी है इन्होंने अपनी। एक शेर आया है, सुनाओ सुनाओ। अभी दानियाल भाई के अंदर गया है, थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। भाई दानियाल मेरे से नहीं जल्दी है, बेइज्जती तू कैसे झेल रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ तेरी बेइज्जती करके मोनेटाइजेशन खा रहा है ये। पहले मैं सिर्फ बोलता था इसको बॉटल ओपनर, अभी बॉटल खोल के दिखाता हूँ उसके मुंह से। भाई भाई पारिक भाई 10 मिनट। अबे ये तो इसका काम है, यहाँ से खोल के क्यों इतने खुश हो रहे हो? अगर खोलनी है दानियाल भाई के पिछवाड़े से खोल के दिखाओ। इस जैसे जो बच्चे हैं ना, वो मैं हर हफ्ते गटर में बा देता हूँ। भाई ये क्या होता जा रहा है? भाई अगर ये इतनी बातें बोल ही रहे हैं तो मैं भी फिर एक बात बोली देता हूँ मेरे मन की। अगर ये इसके जैसे हर दिन गटर में बहा देता है, तुझे देख के भी बिल्कुल गटर वाली फील आ रही है कि तुझे भी किसने गटर में बहा दिया था। मुजरिम हूँ जमाने का, महशर में भरम रखना। भाई तू ना है मुजरिम, तेरा पेट मुजरिम है जो तुझे ये सब करने पे मजबूर कर रहा, और मैं मुजरिम हूं जो तेरी वीडियो देखने बैठ रहा। ओके गाइस वीडियो तेरी खत्म करता हूं, और ये भी मौज मस्ती के लिए कर रहा हूं भाई, ये सारी चीज मैंने भी मौज मस्ती के लिए कर दी है। अगर अभी तुम्हें वीडियो देख के मजा आया है तो इसको लाइक कर देना, मेरा चैनल और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और ये वाला वीडियो जाके देखो जिसमें हमने एंग्री कचौड़ी वाली अंकल जी को पेला है। भाई बच्चे देख के मैं भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ भाई। फालतू की कीनी हवा बाजियां, दिल साफ रखने भाई सारी आरियां। फालतू की कीनी हवा बाजियां, दिल साफ रखने भाई सारी आरियां। यार मेरे सारे हैं हीरे से खरे, छाती पिटने की कुंजैश साले डट।